गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये एक फिनोमिनल होता है, एक प्रोसेस होता है इंड्यूस करंट को जनरेट करने का। और इंड्यूस करंट जो होता है वो तब जनरेट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्टिन्यूस चेंज हो। सो वॉट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज़ अ फिनोमिनल बाई विच इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली। तो दो तरीके से करंट को इंड्यूस करना आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वॉच इट टिल एंड, और एंड में हम लोग एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो टाइप वन और टाइप टू हैज बीन गिवन देयर इन द बोर्ड। तो टाइप वन में क्या है कि देयर इज अ कॉइल, और ये जो कॉइल है दैट इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, अमीटर की तरह ही वो करंट मेजर करता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, राइट। तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक नीडल प्लेस्ड होता है इस प्रकार, और वो डिफ्लेक्ट करता है कब? जब इस कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर नीडल इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो एज यू कैन सी हियर कि देयर इज अ बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को क्या करना है, इस कॉइल के अंदर इंसर्ट करना है, एंड वंस अगेन यू हैव टू टेक इट आउट, इन आउट इन आउट। आप अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो यू विल सी कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, राइट। और ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का ये इंश्योर करता है कि एक करंट इस कॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो ये करंट आया कहाँ से? कोई बैटरी या कोई अदर सोर्स तो हमने यूज़ नहीं किया था इस करंट के लिए, तो फिर भी करंट आ रहा है क्योंकि इस मैग्नेट के इस कॉइल में अंदर जाने से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे इसको बाहर निकाल रहे हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग डिस्टर्ब, ओके। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग बाय इंसर्टिंग द मैग्नेट इनटू द कॉइल एंड टेकिंग इट आउट ऑफ द कॉइल, यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रोसेस से जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, और इस पूरे फेनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ लेट अस मूव टू टाइप टू। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास दो कॉइल होने चाहिए। वी आर हैविंग टू कॉइल्स नेम्ड ए एंड बी। तो पहले कॉइल में व्हाट यू कैन सी कि द कॉइल इज कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड इट इंक्लूड्स अ स्विच आल्सो। तो यहाँ एक बैटरी भी है, एक स्विच भी है। दूसरे कॉइल में ना कोई बैटरी है ना कोई सेल है, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो ये डिटेक्ट करने के लिए कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और नॉट। तो करना क्या है आपको कि आपको स्विच ऑन करना है फिर ऑफ करना है। तो नाउ द स्विच इज ऑफ, वंस अगेन आपको ऑन करना है, फिर से ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है। यू हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस, राइट। सो व्हाट विल हैपन कि इफ यू कंटिन्यू द प्रोसेस, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने वाला प्रोसेस आप कंटिन्यू रखोगे, तो यू विल फाइंड कि कॉइल बी में जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन आना ये जस्टिफाई करता है कि देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल दैट इज बी, राइट। अब कॉइल ए और कॉइल बी के बीच तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो भाई यहाँ जब करंट प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि यहाँ बैटरी लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि ये वाईफाई से यहाँ चला गया, राइट। तो वाईफाई से बिल्कुल नहीं जाएगा, ब्लूटूथ से बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने जब स्विच ऑन किया तो इस कॉइल के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वंस अगेन व्हेन यू स्विच इट ऑन, फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे थे, आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहे थे जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड वॉज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, एंड बाई स्विचिंग इट ऑफ वॉट यू वेर डूइंग, तो यू वेर डिस्ट्रॉइंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे कॉइल में एक करंट का फ्लो होगा, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस एंटायर फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कई बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। वो ये कि व्हाट विल हैपन टू द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
इफ अ बार मैग्नेट इज इंसर्टेड एंड केप्ट स्टेशनरी इन टू द कॉइल, तो आपने क्या करना था कि एक गैल्वेनोमीटर इस कॉइल से कनेक्टेड था, तो पूछा आपसे ये कि अगर इस बार मैग्नेट को हम इंसर्ट करके छोड़ देते हैं इस कॉइल के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर के नीडल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का नीडल जो होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि आपने इस मैग्नेट को क्या किया था, आपने इस मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़ दिया था। ठीक है, तो देयर वॉज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा था, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, टाइप टू क्वेश्चन क्या पूछता है इससे कि क्या होगा जब आप इसको इंसर्ट करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने मैग्नेट को इंसर्ट किया तो गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन या फिर राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट याद रखना कि मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है राइट साइड में, तो गैल्वेनोमीटर के नीडल का डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट, दैट इज लेफ्ट साइड। ओके, अब अगर आप इसको बाहर निकालोगे, मतलब द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स विच साइड, तो मैग्नेट मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा गैल्वेनोमीटर के नीडल का, राइट साइड। आई सपोज ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you and have a good day.